हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मॉर्निंग में सुबह सुबह आ गए एक दोस्त के घर। तो अब का नज़ारा कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर देख सकते हो कितना मस्त एकदम चिल्ड वेदर। देख सकते हो रात भर बारिश हुआ है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आज मैं आ गया यहाँ पे मेरा दोस्त के घर कुछ वो उधर है, उस साइड में है। तो अभी जस्ट मैं वहाँ जाऊँगा, तो उसके पहले सोचा आपको बता देता हूँ। तो एक्चुअली क्या है, एक्चुअली मैं इसीलिए सुबह सुबह आ गया। वो आज क्या बोलो, मच्छी हमारा जो तालाब होता है वहाँ से मच्छी आज वो निकाल रहा है। तो जिसकी वजह से मेरे को फ़ोन किया था, मैसेज भी किया था कि व्हाट्सअप में मैसेज भी किया था कि दोस्त यार अगर आ सकता है तो आ जा और मच्छी लेके चला जा। तो मैं बोला चलो ठीक है, आने में क्या है 6 बजे का टाइम दिया था, तो अभी लगभग 6:30 ऊपर हो गया, 6:30 हो गया। तो कोई नहीं, अभी चलते हैं मच्छी लेके घर पहुंचते, फिर बात करते हैं। ये जो है ना गाइस, ये है यहाँ पे जो खेती वगैरह होता है और जो धान का जो निकलता है, ये यहाँ पे ऐसे करके डंप करके लगाते हैं। और आपको थोड़ा इस साइड का व्यू दिखाता हूँ, देखो इतना अच्छा व्यू है। आप ये जो फल है इसको हम कदम बोलते हैं, पता नहीं आप लोग इसको क्या बोलते हो। ये भी एक है, ठीक है, ये फल है। ये इसका पेड़ जो है यही वाला पेड़ है, तो यहीं से ये गिरा हुआ है। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, टेस्टी होता ही है ये, काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो बाकी बस आपको दिखाते हैं, आवाज़ बहुत खराब। तो गाइस अभी मैं घर से तो निकल गया वहाँ से आने के बाद, एंड देन अभी मैं रास्ते में हूँ, तो रास्ते में रुक के तो कुछ काम के लिए जा रहा हूँ मार्केट। अगर वो काम हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मैं कॉलेज में जाऊँगा। थोड़ा आपको दिखाता हूँ मेरा कॉलेज कैसा है कैसा नहीं, तो वो दिखाऊँगा। पीछे गाड़ी भी आ रही है, तो अभी कॉलेज में जाऊंगा एंड देन वहां पे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी तो लोग जा रहे सब हैं, तो मेरा कॉलेज कैसा है कैसा नहीं। जो काम के लिए जा रहा हूं अगर वो काम हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो देन मैं जाऊंगा कॉलेज में। तो आपको कॉलेज में जाके दिखाता हूं मेरा। तो हे गाइस, मैं जब कॉलेज से जस्ट कॉलेज जा रहा था अभी, तो ये दोस्त मेरा मिल गया। ये बहुत पुराना दोस्त है, ठीक है, हाय करो, हाय करो, हाय, ठीक है। ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है, क्या मेहनत किया वो तो बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये अभी जा रहे, उसका बाइक उधर रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं तो वीडियो शूट कर रहा था, तो रास्ते में मिल गया, तो मैंने आवाज़ दिया था, बहुत वो लगेगा हवा बहुत। ये अभी जा रहा है, आप मेरे से भी मोटा हो गया ये, ठीक है, काफ़ी मोटा हो गया और काफ़ी हैंडसम हो गया अभी, और आ रहा है सामने, तो हो सकता है और अच्छा अच्छा वीडियो हम दोनों साथ में बनाएंगे, तो उसका तो बाद में पता चलेगा हमें। तो ये भी आएगा, ठीक है। ये मेरा बहुत खास दोस्त था और एक ही था मेरा गांव में दोस्त, और कोई दोस्त इतना है नहीं, क्योंकि मेरा साथ का जो एज है उस टाइम कोई नहीं था, जितना भी ऐसा जूनियर है नहीं तो सीनियर है, हमारे लेवल का कोई था नहीं। तो यही है मेरा दोस्त, और बाद में भी दिखा। सीधा उस साइड वाला रोड पे मैं जहाँ से आया, ठीक है, इस साइड वाला जो रोड वगैरह है उधर से, और अदर्स जितने भी आसपास का जितना स्टूडेंट्स है सब यहीं पे आते हैं। और ये क्या है, बस स्टैंड थोड़ा सा ऐसा ही है, आप देख सकते हो, थोड़ा सा लंबा चौड़ा और गोल टाइप का बना हुआ है यहाँ पे।
तो इसी बस स्टैंड के ऊपर मतलब अंदर सभी लोग यहाँ पे आके बाकी यहाँ से हर जगह के लिए बस आपको मिल जाएगा। ये आप देख सकते हो काफ़ी सारे अच्छा वगैरह रखते हैं, फ्रेश एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉलेज का है और आसपास का बस स्टैंड से जो भी उतरते हैं, और वहाँ पे फ्रूट्स का दुकान भी है वो आगे, और यहाँ से फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं, काफ़ी अच्छा है। फ्रूट्स वगैरह आप देख सकते हो यहाँ के, काकू हाई कर, ठीक है हाई कर दिया। तो आप यहाँ से आके आप ले सकते हो, यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। जब भी आओगे देख सकते हो। बाकी कुछ फ्रूट भी ले लेते हैं अभी, तो देखते हैं कौन सी फ्रूट क्या लेना है। बाकी आप देख सकते हो फ्रूट काफ़ी अच्छा है, फ्रूट का कोई यहाँ पे है हमारा। तो है गाइस, बस मेरा कॉलेज में आज 2012 के बाद मैं आज पहली बार इस यहाँ पे आया हूँ, तो मैं सोचा यहीं पे थोड़ा दिखा होगा वो काम जैसी होगा, एंड देन वहाँ के बाद एक मंदिर में तो बोला भी जाऊँगा। तो ये है मेरा जो कॉलेज है, यहाँ का एंट्री है पूरा, और आगे को तरफ मैं नहीं जा सकता हूँ कैमरा लेके, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर कुछ जो रूल रेगुलेशन होता है यहाँ पर कुछ है, तो जिसके वजह से मैं आगे तक नहीं जा पाऊँगा। तो जैसा भी है, मैं बाहर बाहर का जितना भी है ये मैंने शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। मॉर्निंग में जो दोस्त के घर गए थे, एंड देन वहाँ से आने के बाद आज मैं एक स्पेशल जगह पे आया हूँ काफ़ी सालों के बाद। बीच में आते रहता हूँ लेकिन आज काफ़ी सालों के बाद आया, तो जो जैसा भी है तो मैं सोचा एक बार थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। तो मैं जस्ट आया हूँ कॉलेज में, ये मेरा है बाइक, आज बाइक से कॉलेज ऐसे ही तो आ गया था। एंड देन ये जो ग्राउंड है, ये जो आगे वाला ग्राउंड है, यहाँ पे क्या है, इसी ग्राउंड में एनसीसी होता था, और अभी तो इस ग्राउंड में पूरा मिट्टी वगैरह भर दिया काफ़ी। ये जगह भी काफ़ी मतलब लंबा चौड़ा है, हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ये जगह। ये पार्किंग है, ये नया बना हुआ, ये पहले ये नहीं था, तो अभी ये पार्किंग बना है। तो बाकी बारिश हुआ है और ऊपर का पत्ते पुत्ते जो भी है मतलब थोड़ा गिरते रहता है, तो जिसकी वजह से थोड़ा बहुत कचरा है, लेकिन क्या इसी की वजह से क्या है ये पड़तर जाते हैं ना, जिसकी वजह से थोड़ा स्लिप टाइप का हो रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पे देख रहा है, काफ़ी मतलब अंदर जो स्टूडेंट्स वगैरह है सब वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। वहाँ पे पेड़ के नीचे दो बैठा हुआ है, वो आगे दो बैठा हुआ है, वो जस्ट बातचीत कर रहे हैं जैसा भी है। तो मैं सोचा आज यहीं पे जब आया तो मैं सोचा एक छोटा सा व्लॉग बना लिया जाए। तो बाकी और कुछ नहीं है, बाकी तो यही मेरा बाइक है, इसी से आज आ गया कॉलेज पे। नहीं है, बस इतना ही था। एंड कॉलेज में काफ़ी सारे अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत दिन, बहुत 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 दिनों के बाद आया, और मेरा ड्रेस आप देख सकते हो, ड्रेस बस एक चप्पल पहन के आ गया मैं, और अंदर का भी भीड़ कम है, हो सकता है अभी कुछ एग्ज़ाम वगैरह चल रहा होगा, इतना पता नहीं है, ठीक है। बाकी एंट्री जो गेट है, ये है गेट, आगे ये सीधा जाके एक ऑफिस है, और उसके लेफ्ट एंड राइट साइड में अभी नया नया बस स्टैंड है उस साइड पे, और यहाँ पे दो बैठे हुए हैं इधर बात कर रहे। तो मैं जिस काम के लिए आया था वो काम तो हुआ नहीं, तो मैं सोचा वहीं पे जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। और चलो ठीक है, और क्या बताऊँ, और बस यही पार्किंग में गाड़ी लगाया था। अभी लोग कम है, मतलब स्टूडेंट्स कम है, पता नहीं किस लिए, हो सकते कुछ डेट वगैरह नहीं होगा, और अभी लॉकडाउन चल रहा था तो जिसके वजह से क्लास वगैरह भी नहीं हो रहा होगा, तो यही कारण होगा, बाकी कोई नहीं है। बाकी आ रहे हैं स्टूडेंट एक दो करके, यहाँ पर स्टूडेंट आ रहे हैं, आएंगे जो भी होगा। तो इसके बाद अब मैं एक मंदिर में जा रहा हूँ, एंड देन मंदिर में जैसे ही पहुँचूँगा तो मंदिर में जाके मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत फेमस मंदिर है यहाँ का, तो वहाँ पर जैसे ही मैं जाऊँगा तो मंदिर में जाके मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। तो यार फ्रेंड्स क्या बताऊँ, एनसीसी तो मैं भी कर रहा था उस टाइम, तो मैं जब यहाँ पे भर्ती हुआ था, एडमिशन लिया था, उस टाइम मैं भी एनसीसी कर रहा था, लेकिन मेरे से पूरा जो है एनसीसी का जो कोर्स है वो मेरे से पूरा हो नहीं पाया, क्योंकि यार कुछ हो जाता है सिचुएशंस वगैरह, और करने का दिल नहीं है। शुरू में मेरे को बहुत इच्छा था एनसीसी करने का, लेकिन बट बाद में मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो यही है, नहीं हो पाया मेरे से, मतलब मैं नहीं कर पाया, तो इसके वजह से मैंने एनसीसी छोड़ दिया था। ये देख सकते हो, यही है वो, मतलब ये पार्किंग ही है पूरा, ये नया बना हुआ, ये पहले ऐसे नहीं था,
ये पूरा ऐसे ही बना हुआ है, मैं सोचा इधर ही बना लेता हूँ। अच्छा लगता है कभी कभी आपका जो पुराना जगह है, आप भी आपका जो पुराना कॉलेज है वहाँ पे जैसे ही आप कभी कभी जाओगे तो आपको भी थोड़ा अच्छा फील होगा। तो मैं तो सोचा एक बार आ गया तो मैं सोचा कुछ बता देता हूँ इसके बारे में, कुछ दिखा देता हूँ। देख तो सभी लेता है और यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं हमारे गाँव के, हमारे गाँव के आसपास जितना भी है लगभग सब इसी कॉलेज पे एडमिशन लेता है। तो सबको सब कुछ पता है, सबको सब कुछ है, लेकिन यार कुछ चीज़ होता है ना जो आप कुछ बना के अगर आप बना के आप पोस्ट करोगे, बना के आप देखोगे तो उस चीज़ का थोड़ा सा अलग ही लगता है। क्योंकि मैं देखा अभी ये टाइम जो मैंने वेस्ट कर रहा था इधर उधर करके, तो मैं सोचा इसी को दिखा देता हूँ। अभी के लिए व्लॉग इतना ही, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल में नया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हमारा भाई यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी, उधर ही पार्किंग में, हो सकता है वो गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होगा, जो भी है।